हिस्सा रोका। आगरा में G20 की बैठक को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटी, कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे आगरा। औरैया में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बुलंदशहर में विकास यादव हत्याकांड, ग्रामीण ने SHO का घेराव किया, आरोपियों को गिरफ्तार करने की रखी मांग। प्रयागराज में खटीक समाज के संस्थापक की मनाई गई पुण्यतिथि, जिलाध्यक्ष ने दी राजनाथ शास्त्री को श्रद्धांजलि। लखनऊ में होटल में DJ बंद करने को लेकर हुआ बवाल, मेजर की गाड़ी में लगाई गई आग, होटल को किया गया सील। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर आगरा से है जहां G20 की बैठक को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। फरवरी 2023 में होने जा रही बैठक में शामिल होने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आगरा आएंगे, जिसको लेकर आगरा में व्यापक अव्यवस्थाओं के कारण शहर की छवि को सुधारने का कार्य लगातार जारी है और स्थानीय प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही G20 बैठक को लेकर शहर के VIP रूट को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद भी की जा रही है। हम लोगों की यहाँ नगर निगम की ओर से तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। जो भी सौंदर्यीकरण का कार्य है, सिविल का कार्य है, उसको हम लोग करा रहे हैं और समय से कार्य पूर्ण हो जाए इसके ऊपर हम लोग अभी अपना फोकस कर रहे हैं। G20 को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, ताज नगरी आगरा में भी तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगरा पुलिस कमिश्नर, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से तैयारियाँ हैं ताज नगरी आगरा में। सर, ताज नगरी आगरा में G20 को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, G20 का एक मीटिंग जो है वो फरवरी में आगरा में होगी और बाकी शहरों में भी, बाकी 3 शहरों में भी होनी है। उसके बाद सेकंड फेज में अगस्त में मीटिंग होगी। हमारे जो ऑफिसर्स भ्रमण करके प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान इसमें तैयार कर रहे हैं और हमारा पूरा जो सिक्योरिटी प्लान है, जितनी उनकी विजिट है उसमें पूरा हमारा प्लान तैयार है और जितनी हमें एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी या स्पेशल टीम्स की आवश्यकता पड़ेगी वो भी रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी भेज चुके हैं और हमारे ऑफिसर्स जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी G20 की मीट हो चुकी है वहाँ पे जाके उनके सिक्योरिटी प्लान को स्टडी भी कर रहे हैं और उनसे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो इस तरह से करके और हमारे जो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है, DGP हेडक्वार्टर हैं, वो भी हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं और इन सभी टोटल इश्यूज़ में हमारा पुख्ता यहाँ पर इंतज़ाम होगा और जो हमारा ट्रैफिक प्लान होगा वो इस तरह से होगा ताकि हमारे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी इस पूरे आयोजन को देख सकें और जो भी उसमें फंक्शंस होंगे उनको देख सकें और किसी तरह की सुविधा उनको भी ना हो और दूसरी तरफ जो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इस तरह का प्लान हमारा, इस तरह का हमारा ट्रैफिक और सिक्योरिटी का प्लान रहेगा। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले खेरिया एयरपोर्ट का अधिकारियों के संग निरीक्षण भी किया था। खेरिया एयरपोर्ट पर काफ़ी ट्रैफिक की भी समस्या रहती है, सर किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, जब डेलीगेट्स की मूवमेंट होगी वो एक बहुत कम समय है तो उस कम समय में कोई भी वहाँ पे ट्रैफिक अगर हमें हल्का सा कुछ देर के लिए रोकना भी होगा तो हम रोकेंगे और किसी तरह की अव्यवस्था उस समय नहीं होगी। लेकिन ये भी हम इंश्योर करेंगे जितनी देर डेलीगेट्स निकल रहे हैं उतनी देर ही ट्रैफिक रोका जाए ताकि आम जन को भी कोई असुविधा ना हो। देखा आपने, ये थे हमारे साथ आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है यातायात और तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं। खेरिया एयरपोर्ट से लेकर सभी जगहों का निरीक्षण किया है। पुलिस फोर्स की भी अगर बात करें तो पुलिस फोर्स भी लगाया जाएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम TV। औरैया में विकास पूर्वक योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। साथ ही समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्थाओं के सहित विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जो निर्माण कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द ही पूरा कराया जाए। साथ ही DM ने नगर पालिका के अधिकारियों को कैटल कैचर खरीदने के भी निर्देश दिए, जिसे खुले घूम रहे पशुओं को पकड़कर स्थायी गौशालाओं में रखा जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार, न्यायिक अब्दुल बासित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित जनपदीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
अमरोहा में नगर पालिका परिषद के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद से नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पूरी ताकत मिलने के बाद नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के मालिकों से 100% टैक्स वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। अमरोहा में 2017 से जो है स्वकर प्रणाली लागू थी, और इधर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और अमरोहा में नए नए शोरूम खुल रहे हैं, नए नए बैंक्वेट हॉल खुल रहे हैं, नए नए गेस्ट हाउस खुल रहे हैं, तो नगरपालिका पहले से भी इसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई कर चुकी है और हम लोग इसमें और भी प्रभावी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जितने भी हमारे कॉमर्शियल एरियाज हैं या जितने भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, सब पर हम लोग टैक्स जो है वो 2017 जो स्वकर प्रणाली है उसके अधीन लगाने जा रहे हैं, और किसी भी हाल में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिना टैक्स दिए हुए कोई व्यक्ति जो है हमारे परिक्षेत्र में जो है कोई व्यवसायिक गतिविधि करे। लखनऊ में गोमती नगर के विशाल खंड में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। होटल में डीजे को बंद करवाने को लेकर होटल के मालिक और स्टाफ दबंगों से मिलकर मेजर अभिजीत सिंह के अभद्रता का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जब अभिजीत ने पुलिस को बुलाया तब दबंगों के साथ होटल मालिक ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस को मिली सूचना के बाद फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और होटल को सील कर दिया गया है। हाँ, कल रात में मेरे यहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ था, जो पास में एक होटल है, 12 बजे के बाद ये म्यूजिक बजा रहे थे, रात 10 बजे के बाद से ही, तो 11:30 बजे मैं इनसे मिलने गया और मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मत बजाइए क्योंकि मेरे घर में मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, वो बीमार है। तो इन्होंने बोला हम देखते हैं, प्यार से बात करने की ज़रूरत है, आपने बोला है, कानून की बातें मत बताइए। तो फिर मैं वापस आ गया सोच के कि ये बंद कर देंगे। 12:30 बजे तक और म्यूज़िक इन्होंने तेज़ चलाया और दारू पी के लोग शोर मचा रहे थे। इसके बाद मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया और ये कंप्लेन दिखाई। 100 नंबर फ़ोन करने के बाद एक PCR वैन यहाँ आई और थोड़ा हूटर बजा, उसके बाद म्यूजिक बंद हो गया सिर्फ 5 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से जब वैन चली। अलीगढ़ में थाना गबाना क्षेत्र के ग्राम ही सेल में एक युवक की अज्ञात हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्यारे ने शव को कुएं में फेंक दिया, तो वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने खून के निशान मिलने पर शव का पता लगाया गया। वहीं घटना की जानकारी ग्रामीणों ने तत्काल ही इलाका पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच की आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। खुशविंदर और पिताजी का नाम बनी सिंह। बनी सिंह, क्या घटना हुई इनके साथ? पता नहीं, घटना की पता नहीं है। ये घर पे सुबह ताप रहा था, वहाँ पर अलाव जला के 9 बजे से वहाँ से आया और फिर 3:30 बजे मेरे मुझ पर फोन आया कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया है। फोन किसने किया था आपको? गांव के लड़के थे कुछ। किसके फोन से आया था? एक गाँव में 7 का लड़का है, उसके फोन से। क्या फिर क्या बताया आपको? कि तेरा भाई है, खत्म हो गया है। कहाँ पर? कौन सा बाबा? थाना गवाना, जिला अलीगढ़। बाबा, ये मृतक को आप यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं, जिला क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर, मैं अपने खेत पे हूँ, एकदम हल्ला भयो गांव में कि कोई डेड बॉडी जंगल में पड़ी रही है। तो हम मोटरसाइकिल लेके आए थी, 2-3 जने पूरा गांव आए, जाए जैसे मालूम पड़ी तो लाया के खेत में, वहाँ के नगला सरुआ के 3 बच्चे के जंगली सुअर मारने के लैया आए, तो गुन्ने जब खून देखे हो तो गुन्ने फोन करियो गांव में प्रधान पे। अलीगढ़ गांव में ग्वालरा में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 2 मवेशी जल गए और सामान जलकर राख हो गया। पूरा मामला गांव ग्वालरा का है, जहां पशुओं के लिए झोपड़ी पड़ी हुई थी, जिसमें अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने अथक प्रयासों के बाद आग को बुझाया, लेकिन अब तक आग में वहां बंदी 2 मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि साइकिल, चारपाई समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी पाकर तहसीलदार और राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर घटना की संबंधित जानकारी ली और उन्होंने वहां पर KV सिंह ने बताया कि पीड़ित नियमानुसार मदद की जाएगी। तो मेरी आँख खुली है, जैसे रजाई में आँख लगी है जी।
वैसे ही मतलब मेरी आँख खुली है, मैं पोहेन को भाजा हूँ, मेरी गिगी छूटी है। गिगी छूटने से क्या कहता है, भाई और बहन सगरे माँ बाप सगरे भाजे चले आए जी। और वैसे ही मतलब वो सुनील भाई साहब छुट्टा भाई साहब मतलब जी आए जिनने पानी बजाया, और जब जाके अच्छा, मतलब क्या क्या नुकसान हुआ है आग से? भैंस जर गई दोनों जी, बुज्जी बटोरा न्यार चारों मतलब सभी नुकसान जी जी पूरा ही मतलब थाने में तहरीर दे दी। प्रयागराज में कीटगंज स्थित धर्मशाला में अखिल भारतीय खटीक समाज के संस्थापक राजनाथ शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर शास्त्री जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने समाज को एकजुट रखने की बातें कही और सोनकर समाज के उत्थान के लिए समाज को सदैव आगे ले जाने की भी बातें कही। तो वहीं अखिल भारतीय खटीक समाज के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सोनकर ने अपने संबोधन में कहा कि केवल वही समाज तरक्की कर सकता है जो शिक्षित हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि समाज के लोगों को शिक्षित किया जाए। हम लोग स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री जी का जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं। माननीय स्वर्गीय राजनाथ शास्त्री जी ने पूरे देश में जो है समाज को इकट्ठा करने के लिए जो है बिगड़ा उठाया था। जो है स्वर्गीय रामनाथ शास्त्री जी के पुण्यतिथि के माध्यम से अपने समाज को शिक्षित करने का जो है संदेश जो है देना चाहता हूँ कि आप जो है अपने चाहे थोड़ा खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। सबसे मुख्य जो है शिक्षा ही है। आज हमारा समाज जो है पूरे देश में नाम कर रहा है, कहीं ओलंपिक के माध्यम से, कहीं जो है खेल के माध्यम से। फिरोजाबाद में सर्दी का सितम जारी है, जिसका बच्चा और बुजुर्ग अलाव हर बच्चा उसका सहारा ले रहा है। बता दें कि आज भी आसमान घरे कोहने की चादर से ढका हुआ है, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं इस साल ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बुलंदशहर के गुलावठी थाने में ग्रामीणों ने एसएचओ का घेराव किया है। बता दें कि ग्रामीणों ने विकास यादव के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घेराव किया है। 7 जनवरी को कार सवार हमलावरों ने हाईवे पर गोली मारकर विकास यादव की हत्या कर दी थी। इस मामले में गुलावठी पुलिस पर 3 हत्यारोपियों को पकड़ने के बावजूद जेल न भेजने का भी आरोप लगाया गया है। गुलावठी पुलिस ने 8 नामजद सहित 18 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही 2 दिन में फरार हत्यारोपियों को गिरफ्तार न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। राम ईसापुर के व्यक्ति की एक गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 2 दिन से लगातार आश्वासन पुलिस प्रशासन का दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हमने रात भी देखा है कि वो जो मुख्य आरोपी हैं वो लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कल भी हमसे ये मांग की थी कि आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारे सहयोग करने के बावजूद भी अभी तक वो लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या पुलिस थाने पे क्यों एकत्र हुए आप? औरैया में दुर्गा देवी मंदिर के पास बने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का शव पड़ा मिला। बता दें कि खेत की ओर जाने की बात कहकर किसान घर से निकला था, जिसके बाद घर न लौटने पर परिजनों के खोजने पर दुर्गा देवी मंदिर के पास बने कमरे में किसान का शव पड़ा मिला, जिसके शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला अछलदा थाना क्षेत्र के गाँव बीरपुर का है। आज सायं लगभग 9 बजे अछलदा थाना क्षेत्र के बीरपुर ग्राम में एक 75 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है, आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से अजीबो गरीबो घटना सामने आई है, जहां पति के साथ घूमने गई युवती ने अपने ही पति को बेहोश कर दिया और फरार हो गई, जिसके बाद जब पति को होश आया तो पता चला कि उसकी पत्नी अपना टूरिस्ट बैग लेकर फरार हो गई है। बाद में जानकारी की तो पता चला कि पत्नी ने पहले ही किसी से शादी कर रखी थी। तो वहीं अब पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके चलते पीड़ित ने सिविल कोर्ट में केस दर्ज करा दिया है। और जब हम मतलब हनीमून पर गए थे 8 मतलब दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में मतलब चाय में कुछ मिला के देती रहीं, और पहले हम देहरादून पहुँचे,
देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे ठरी खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई, और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया। और 6:40 पे मैं आया तो घर पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, फिर ये पीछे से कूद काट के इन्होंने घर में हमला करा। अच्छा, तो मैं अपना काम करता हूँ, काम पे गया। इसमें कितने लोग घायल हुए? इसमें मेरी माता जी के सर में चोट लगी है, घर पे है शमीम जेरा, और इन दोनों के भाइयों के लगी है, और एक छोटे भाई के ज़्यादा लगी नहीं थी, उसे हम लाएंगे। अच्छा, विवाद अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।